अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा चैनल देख रहे हैं घर के परिंदे। तो ये देखे जी, ये हमारी कुड़क मुर्गी है। असल में वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि कुड़क मुर्गी की जो है ना, उसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि उसको अंडों पे बिठा दिया तो वो खुद ही उठ जाएगी, खुद ही कोई नहीं उठती, ठीक है, इसको उठाना पड़ता है। ये देखें, ये सुबह का टाइम, अभी तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है इनके नाश्ते का। तो इसको जनाब अभी उठाया है, उठा के तो इसको मैंने बाहर निकाला तो अब ये पानी रखा हुआ है, दाना रखा हुआ है। अब ये पेट भर के, पोटा भर के खाएगी तो फिर जनाब जो है ना, ये आराम से वापस जाके उधर बैठ जाएगी। ठीक हो गया जनाब। तो सुबह के टाइम और दूसरा ये शाम के टाइम, थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकालना है इसको, शाम को फिर इसको दाना पानी खिलाना है। दाना पानी खिला के तो फिर जो है ना, इसको बंद कर देना है। इस तरह फिर जो है ना, ये हैचिंग जो है, ये बेहतरीन किस्म की हो जाती है। अगर ये भूखी रहेगी तो ये फिर अंडे खा जाएगी तोड़ के। ठीक हो गया, जो अंडे खा जाएगी तो फिर जनाब जो है ना, ये आप लोग कहते हैं जनाब हमारी मुर्गी अंडे खाने लग पड़ी, तो अंडे इस वजह से खाती है मुर्गी। तो अभी ये देखें ना, अभी ये खा रही है, ठीक है। अभी ये दूसरी मुर्गी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि वो अंदर बैठी हुई है, तो इसको ना बाद में निकाल लेंगे, पहले उसको और फिर इसको। ये देखें जी, ये इसने अब दाना पानी जो है खा लिया, और उसके बाद जो है ये जाके आराम से खुद ही अंडों के ऊपर बैठ जाएगी। ठीक हो गया जी, जैसे ही अंडों पर बैठेगी जी, स्लैब इधर लगा देंगे, इसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा, एंड देन ये पूरा दिन आराम से बैठी रहेगी। ये देखें जी, अभी मैंने दूसरी मुर्गी को बाहर निकाला, तो ये अभी दाना पानी जो है ये अपना कर रही है। ठीक हो गया जी। तो उसकी भी वजह यही है कि इसको अभी सुबह के टाइम नाश्ता कराना है, और देन शाम के टाइम दोबारा इसको खोलना है, अंडों से इसको उठाना है, अंडों से उठाने के बाद इसको जनाब बाहर निकालना है, ताकि ये जनाब वो जो है अपना पेट साफ़ कर ले, और साथ में दाना खा ले, पेट भर के, पोटा भर के, और पानी पी ले। उसके बाद इसने दोबारा अंडों पर बैठ जाना है, तो ये टोकरा जो रखा हुआ है ये इसके ऊपर दे देना है। उसकी वजह ये है कि तो फिर केज के अंदर बाकी मुर्गियाँ इनको तंग करती हैं। ये वाइट मुर्गा है हमारा, इसके अंडे हैं इसके नीचे, ये मादी है, और इसकी बाकी दो मादियाँ भी जो हैं वो अंडे दे रही हैं। ले जी, ये देखें, ये इसने जो है ना अब दाना पानी खा लिया है, पानी भी पी लिया है, पोटा भी भर लिया है, और ये जाके उधर बैठ गई है अंडों के ऊपर। ठीक हो गया ना। तो अब इसके ऊपर हम जो है अपना टोकरा रख देंगे। उसकी वजह ये है कि केज के अंदर एक मुर्गा भी है और दो साथ एक्स्ट्रा मुर्गी हैं, तो वो अंडे दे रही हैं, तो वो फिर इसको तंग नहीं करेंगे। तो अभी ये बैठ जाएगी आराम से, तो इसने अपनी सिटिंग बना लेनी है, एंड देन जो है वो आराम से इसके ऊपर टोकरा रख देंगे, ताकि ये परेशान ना हो। तो इतनी सी एफर्ट कर लें अगर आपने मुर्गी अंडों पे बिठानी है। हालांकि मेरे पास इनक्यूबेटर भी है, ब्रूडर भी है, वो भी रखे हुए हैं, मगर उसकी एक मेन वजह यह है कि मुर्गियाँ भी अंडों पर बिठानी पड़ती हैं। हालाँकि इनक्यूबेटर फुल है, उसमें जगह होगी रात थोड़ी सी, बट उसके बावजूद भी मुर्गियाँ जो है वो हमें अंडों पे बिठानी पड़ती हैं। टोकरा आ गया इसके ऊपर, उसकी वजह ये है कि मुर्गियों की सेहत अच्छी रहती है, नेक्स्ट टाइम जब वो हैचिंग करती हैं तो वो ना अंडे फर्टाइल सही आते हैं और चूजे भी सही निकलते हैं। ओए हट जाओ, चल चल शाबाश, चल अंदर, चलो चलो चलो, ये टोकरा हमने इसलिए रखा हुआ है, चल 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 अंदर, चल अंदर, चल 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 चल। आई होप ये दो मुर्गी हैं साथ, ये मुर्गा और वह कुड़क पे बैठी हुई है। टोकरा इसलिए रखा गया था इसके ऊपर ना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर दें।